हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल लान स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम ब्लाउज का डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए, हमने मोढ़े को काट लिया है। शोल्डर हमारी 5.5 इंच है, लंबाई हमारी 15 इंच है, चौड़ाई हमारी 11 इंच है। 6 इंच पर हमने मोढ़े का निशान लगा कर काटा है। ऊपर से हम 2 इंच, 2.25 इंच हम गले के लिए लेंगे और गले की डीपनेस हम 9 इंच रख 9.5 इंच रखेंगे। बॉक्स बना लेंगे पहले। इस तरह से देखिए, हम पहले बॉक्स बना लेंगे और अब हम गले का शेप देंगे। इस तरह से देखिए, हम गले का शेप देंगे और यहाँ से हम इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ से हम इस तरह से मिलाएंगे। तो देखिए, हमने गले का शेप दे दिया है और अब हम इसे काट लेंगे। पहले हम जो निशान लगाए उसे हम काट लेंगे, फिर हम दूसरा निशान लगाएं जो काटेंगे, फिर अब हम यहाँ पर से तीसरा निशान को काट लेंगे। इस तरह से देखिए, हमने गले की कटिंग कर दिया है। यहाँ पर हम पेस्टी पेपर लेंगे और इसे डबल फोल्ड कर लेंगे पहले, और ऊपर से हम इस पैटर्न को रखते हुए आगे से हम सही निशान लगाएंगे, जिस तरह से हमारा निशान है उसी तरह से, और पीछे से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए निशान लगाएंगे और अब हम इसे काट लेंगे। इस तरह से देखिए, हम इसे काट लेंगे। तो देखिए, हमने इसे काट लिया है इस तरह से। और अब हम ये जो पैटर्न बनाए थे बीच का, इसे भी हम निशान लगा लेंगे पेस्टी पेपर पर पहले। इस तरह से आगे से सेम निशान लगाएंगे और पीछे से इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए निशान लगाएंगे और इसे भी हम काट लेंगे। तो देखिए, हमने इसे भी काट लिया है। इस तरह से हमारा ये भी कट गया है। अब हम पहले ब्लाउज के कपड़े को अच्छी तरह से पहले फैला लेंगे और ऊपर से हम अस्तर के कपड़े को अच्छी तरह से फैलाते हुए पिन अटैच कर देंगे। हर जगह हम पिन अटैच कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम हर जगह पिन अटैच कर लिए हैं। और अब हम इस तरह से पहले गले की सिलाई करेंगे। जिस तरह से हमारा पैटर्न कटा हुआ है उसी तरह से हम सिलाई भी लगाते जाएंगे गले की। तो देखिए, हमने इस तरह से गले की सिलाई कर लिया है और बीच के कपड़े को हम काट कर निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए, हम बीच के कपड़े को काट कर निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने बीच के कपड़े को काट कर निकाल लिया है और हल्का हल्का कट लगा लेंगे। हल्का हल्का कट हम पूरे गले पर लगा लेंगे और इसे इस तरह से देखिए पलटते हुए पहले हम अच्छी तरह से कोने को निकालते हुए पलट लेंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से पहले पलट लिया है और अब हम सिलाई लगाते जाएंगे गले की। अब हम सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से देखिए, हम गले की सिलाई लगाते जा रहे हैं। और फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी करिए। तो देखिए, हमने अस्तर और ब्लाउज को अच्छी तरह से रखते हुए चारों तरफ भी सिलाई लगा लिए हैं। यहाँ पर हमने जो पैटर्न काटा था उसे हम एक कपड़े पर चिपका लिए हैं आयरन की मदद से। आयरन से हम अच्छी तरह से चिपका लिए हैं और अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए, हमने एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल लिया है और अब हम इसे गोल्डन कलर के कपड़े पर रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से रखते हुए हम चारों तरफ पहले सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। इसी तरह से हम बाकी पीस को भी सिलाई लगा लिए हैं और अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल लेते हैं। इस तरह से देखिए, हम निकाल लिए हैं काट कर, बीच के भी पैटर्न को हम काट कर निकाल लिए हैं। और यहाँ पर हम लाल रंग के कपड़े लिए हैं, इसे हम पट्टी लगा देंगे आगे की तरफ, आगे की तरफ से। इस तरह से हम देखिए पाइपिंग लगा लेंगे। इस तरह से मोड़ते हुए पाइपिंग बना लेंगे हम। तो देखिए, हमने पाइपिंग बना लिया है। अब हम दूसरे पीस पर भी पाइपिंग बनाएंगे। तो देखिए, हमने दोनों पीस पर पाइपिंग बना लिया है और यहाँ पर हम अच्छी तरह से पहले इसे रखते हुए मिलाते हुए अटैच करेंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से रखते हुए अटैच कर लिया है, पिन लगा लिया है और अब हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से देखिए, हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम दूसरे पीस को भी सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए, हमने सिलाई लगा लिया है।
यहाँ पर हमने बीच का जो पैटर्न काटा था उसे भी हम चारों तरफ से कपड़े को काट कर निकाल लेंगे और यहाँ पर हल्का सा कोने पर कट लगा कर इसे पलट लेंगे। तो देखिए हम ऊपर से सिलाई लगा रहे हैं, अब हम चारों तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। और यहाँ पर हम एक पेस्टी पेपर लिए हैं, इसे हम राउंड शेप देते हुए एक पत्ते की तरह काट लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से काट लिया है। इसे हम इस कलर ब्लाउज के कपड़े के कलर का से हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इस कपड़े को इस कलर के कपड़े से रखते हुए सिलाई लगा लिए हैं और अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। और यहाँ पर हम एक लेस लेंगे। तो देखिए हम इस तरह से लेस को लगा लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से लेस को लगा लिया है और अब हम इस ब्लाउज का बीच सेंटर में इस तरह से रखते हुए पहले हम पिन लगा लेते हैं, अच्छी तरह से पिन अटैच कर लेते हैं और अब हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से देखिए हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा लिया है। और यहाँ पर हम लेस लिए हैं और पूरे गले पर लेस लगा लेंगे। इस तरह से देखिए हम पूरे गले पर लेस लगा लेंगे। तो देखिए हमने पूरे गले पर लेस लगा लिया है। अब हम नीचे का दोनों प्लेट डाल लेंगे। तो देखिए हमने प्लेट डाल लिया है और यहाँ पर हम 1.5 इंच लंबी पट्टी लिए हैं, चौड़ी पट्टी लिए हैं और अब हम इसे इस तरह से मोड़ते हुए पाइपिंग बना लेंगे। तो देखिए हमारा ब्लाउज डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और लाइक करिएगा।